जो पशुपति पारस चिराग पासवान को सड़क पर रा दिए थे, आज वही पशुपति पारस खुद सड़क पर आ गए। साथियों, पशुपति पारस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति पारस का दर्द छलका है साथियों, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी साथियों, लेकिन एनडीए को उन्होंने समर्थन किया था। 2020 विधानसभा चुनाव चिराग पासवान लड़ते हैं, लेकिन पशुपति पारस की उसमें सहमति नहीं रहती है। उसके बाद से ही चिराग पासवान की पार्टी टूटी जाती है। इसके बाद से पशुपति पारस एक अलग पार्टी बना लेते हैं और चिराग पासवान एक अलग पार्टी बनाकर बिहार का भ्रमण करते हैं आशीर्वाद यात्रा के तहत। लेकिन पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बनते हैं। मंत्री बनने के बाद पशुपति पारस पूरी तरीके से मजे में थे और चिराग पासवान सड़क पर आ गए थे। पूरी तरीके जनता के बीच में चिराग पासवान चल रहे थे, लोगों का आशीर्वाद ले रहे थे। पशुपति पारस का समय तो अच्छा कट रहा था, लेकिन पशुपति पारस का समय जब खराब हुआ 2024 लोकसभा चुनाव में, क्योंकि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की तरफ से 5 सीटें दी गई, वही पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली। तब पर भी पशुपति पारस एनडीए के समर्थन में रहे, कहीं नहीं तो कहीं उनको कुछ आश्वासन दिया गया होगा। लेकिन उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करते हैं पशुपति पारस, तो 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर करते हैं। कहीं नहीं तो कहीं उन्होंने बताया कि हमने एनडीए के साथ पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन एनडीए ने हमारे साथ छल कर दिया। कहीं ना कहीं पशुपति पारस जो कि हाजीपुर से सांसद थे, प्रिंस राज समस्तीपुर से सांसद थे, लेकिन इन लोगों के खाते में एक भी सीट नहीं गई, वो सीट चिराग पासवान के खाते में चली गई। क्योंकि चिराग पासवान जो कि पासवान समाज के नेता, पासवान समाज ने चिराग पासवान को ही स्वीकार किया, पशुपति पारस को पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं पशुपति पारस जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनका दर्द पूरी तरीके से छलक रहा था साथियों, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मैं 2025 विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से मजबूती से अपना संगठन को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, और इसके बाद पूरे जिला अध्यक्षों को लेकर तमाम मैं हमारी जो रणनीति होगी 2025 विधानसभा की वो पूरी तरीके से होगी। क्योंकि चिराग पासवान जो कि एनडीए के सबसे मजबूत सहयोगी के तौर पर हैं, वहीं चिराग पासवान को साथ लेने के बाद पशुपति पारस को एनडीए की तरफ से बाइकआउट कर दिया गया। लेकिन अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए पशुपति पारस, प्रिंस राज और बगल में तमाम जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता थे बगल में बैठे हुए थे, कहीं न तो कहीं पशुपति पारस के साथ एनडीए गठबंधन से भी गलत हो रहा है। क्योंकि पशुपति पारस उस समय एनडीए के साथ थे, मोदी सरकार में उन्होंने मंत्री भी थे, लेकिन सीट नहीं मिलने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिए थे। इस्तीफा देने के बाद कहीं न तो कहीं पूरी तरीके से बिहार हंगामा हो रहा था। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं पशुपति पारस एनडीए के समर्थन में आए, प्रिंस राज भी समर्थन में आए, उनके पार्टी के नेता भी समर्थन में आए। लेकिन पशुपति पारस जब समर्थन में आए थे, लेकिन अभी तक से पशुपति पारस को नहीं पूछे जाना, कहीं न तो कहीं ये एनडीए की तरफ से गलत है साथियों। अब जाकर पशुपति पारस, प्रिंस राज, तमाम एनडीए के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी तरीके से एनडीए को पशुपति पारस ने बताया कि मेरे साथ एनडीए की तरफ से नाइंसाफी की गई, हमने ईमानदारी से पूरी तरीके से एनडीए के साथ रहा, लेकिन एनडीए की तरफ से हमारे साथ नाइंसाफी की गई। लेकिन आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में अब किसके साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन होगा, वो आने वाला समय बताएगा साथियों। लेकिन कहीं ना तो कहीं पशुपति पारस जो कि एनडीए के साथ थे लोकसभा चुनाव में, वो भी चिराग पासवान भी थे, तो देखने वाली बात हुई कि चिराग पासवान और पशुपति पारस की जो जंग थी वो तो 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए चिराग पासवान को स्वीकार करके उस जंग को कहीं ना तो कहीं साइड कर दिया। लेकिन अब जो पशुपति पारस की पार्टी को लेकर है, पशुपति पारस और प्रिंस राज को लेकर है, कहीं ना तो कहीं ये चिंताजनक बात है साथियों। लेकिन अभी के लिए इतना ही। मैक्स से पासवान, इस पर जो भी आप सब चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं इसके बारे में, क्या पशुपति पारस के साथ एनडीए सही कर रहा है या गलत कर रहा है। लोकसभा चुनाव के समय जो पशुपति पारस को कहीं तो कहीं कुछ आश्वासन दिया गया था, वो आश्वासन अभी तक से कुछ पूरा हुआ या नहीं हुआ, वो सब बातें अंदरूनी है, लेकिन कहीं तो कहीं पशुपति पारस के साथ गलत हुआ है। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए। लेकिन अभी के लिए इतना ही। मैं अक्षय पासवान और आप देख रहे हैं बिहारी फर्स्ट। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।